ना टाइम क्यों लग गया दरवाजा खोलने में? कहां मर गए थे? हैं? म्यूजिक सिस्टम चल रहा था ना? नहीं नहीं उन्होंने नहीं। क्या है तुम्हारे मुंह में? ये बादाम खा। वाह, मैं यहाँ तपती धूप में इधर उधर की ठोकरें खा रहा हूँ और तुम बादाम खा रहे हो। अब ठोकरें तो खा चुके हैं, थोड़ा बादाम खाने रुको। अच्छा कुछ पता लगा? नहीं कुछ पता नहीं लगा। वो पुलिस स्टेशन अस्पताल वगैरह? हाँ हाँ सब जगह देख लिया है मैंने। किसी कबाड़े शबाड़े की दुकान क्या? नहीं नहीं पुरानी चीजें लोग अक्सर बाहर निकाल आया करते हैं। तुम होश में तो हो? कोई पुरानी साइकिल नहीं कोई है जो कबाड़े के यहाँ से बरामद हो? अरे मेरा बाप खो गया है। सही बात है हुजूर, अल्लाह करे जहाँ है वहां पड़े रहे खुश रहे। ये सब फिल्मों का ये सब है, अब बाप लोग भी भागने लगे। नूर अपनी बकवास बंद करो, जाओ पानी लेकर आओ मेरे लिए। अच्छा और हाँ इधर आओ, मेरे साथ क्या कर रही है? अब खुदा झूठ ना बुलवाए, सवेरे से रम के गैलर छांट छांट कर याद कर रही हूँ। अरे रम के डायलॉग क्यों? अड़ोस पड़ोस की लेडीजें आएंगी आपके कमर पे, वो लोग आएंगे मातम कुर्सी के लिए, तो थोड़ा रिश्व तो करना चाहिए ना। मातम कुर्सी? अरे मेरा बाप से खोया है मरा नहीं है। मैंने भी कहा नहीं, थोड़ी जाने दी उनको, क्या क्या भक्ति है मालूम नहीं। थोड़ी जाने क्या कहा उन्होंने? छोड़ छोड़ दी नूर, बताओ क्या कहा उन्होंने? थोड़ी नूर कहने लगी खोया कुत्ता मरे बराबर। व्हाट? हां मेरे डैड की तुलना एक कुत्ते से? मैं क्या कर सकता हूँ, ये बड़े लोग बड़ी बात है। अब कुत्ता कहेंगे अमित, हम लोग को गरीब लोग अपने अब्बा को बरते दम तक अब्बा ही कहते हैं। नूर अपनी पक पक बंद करो, एक बार बोलना शुरू करते हो तो फटे झूठे की तरह फैलते जाते। जाओ पानी लेकर आओ। ओ डैड कहाँ चले गए आप? आपको ढूंढ ढूंढ कर मैं तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये क्या आपकी उम्र है कोई भागने की? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने आपको बांध पोस्कर? मेरा मतलब आपने मुझे बांध पोस्कर बड़ा दिया था है? उससे कुछ गलती हो गई या नीतू ने कुछ कह दिया आपसे? वो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने आपको घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया? आइए पानी ले लीजिए, पानी ले लीजिए। नूर मिया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हुआ क्यों हुआ? सही बात है, अच्छे खासे अब्बा थे, पता नहीं क्या हुआ अचानक भाग खड़े हो गए। ये सब संगत का ये असर है हुजूर। हाँ क्या मतलब? अरे आजकल बापों की सोसाइटी कुछ अच्छी नहीं चल रही है, पता नहीं क्या वो किसी की बातें सीख कर आ जाते हैं कोई बाप लोग। नूर अपनी बकबक बंद करो, बकवास बंद करो नूर। मिकी चलो चलो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अरे उसको क्यों डांट रहे हो, भला उस बेचारे की क्या गलती है? नूर नूर इधर आओ। जी नूर। जाओ अंदर बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, उसे इस्त्री कर दो, ठीक है? जाओ जल्दी जाओ। अच्छा नूर। देखो मिकी ऐसे बात बात पर नौकरों को डांटना अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब? अरे आजकल दूसरा बाप आसानी से मिल जाएगा लेकिन दूसरा नौकर नहीं मिलेगा, समझे? हाँ समझ गया, आज से मैं नूरबख्श को जनाब नूरबख्श साहब कहकर पुकारूंगा, तुम कहो तो उसको अपना बाप बना लो। अरे नाराज क्यों होते हो विकी, तुम्हें क्या लगता है डैडी के जाने का दुख मुझे नहीं है? कल से मैंने पाव भर छोले और खजूर के अलावा अनाज का एक दाना तक नहीं खाया। मैं कह देती हूँ डैडी अगर वापस नहीं आए ना मैं तो भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी, देख लेना। तुम तो रोने लगी, मत रो पापा मत रो। अरे ये तो छोले के आंसू। मगरमच्छ के आंसू तो सुना है, छोले के आंसू क्या होता है?
कल छोले बनाए थे ना, उसमें मिर्ची थोड़ी ज्यादा डाल दी थी, इसलिए आंसू निकल आए। तुम बैठो, तुम्हारे लिए भी छोले ले आते। नहीं नहीं नीतू, कोई जरूरत नहीं, मेरी भूख प्यास हंसी खुशी सब डैड के साथ ही चली गई है। न जाने वो कहां होंगे, किस हाल में होंगे। ओ डैड, अरे तुमसे ज्यादा मुसीबत तो मेरी है, तुम तो निकल जाओ इनको ढूंढने, और यहाँ कॉलोनी की लेडीज का नाता लग जाएगा। इतनी पूछताछ तो मेरे टॉमी के खो जाने पर भी नहीं हुई थी। वो तो यही कहेगी ना, सचिन ने ध्यान नहीं रखा। डैडी का इस तरह से भाग जाना, हमें किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है उन्होंने। तुम्हें बाहर जाने की पड़ी है, यहाँ मेरा दिल फटा जा रहा है। नीतू, अब ये सब बातों का वक्त नहीं है। क्यों? इस घटिया ढंग से भाग जाना उनका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। What do you mean by घटिया ढंग? तो और क्या? बड़े सुपर फाइन ढंग से भागे। इस रिटायर्ड बुड्ढों की कॉलोनी में न जाने कैसी उल्टी सीधी हरकतें चलती रहती हैं। रोज सुबह जाते थे ना लाफिंग क्लब में, एक्सरसाइज कर रहे, उसी का असर है ये। अच्छा, वाह। एक बार मेरे डैडी भी घर से भागे थे। क्या? लेकिन इस तरह से नहीं, जाते वक्त धोबी के कपड़े की नोटबुक के पीछे लिख कर गए थे कि कहाँ जा रहे हैं, और हाँ डेट ऑफ रिटर्न भी मेंशन किया था। डैडी ना हुए पजामा हो गए, फलाने दिन धोबी के यहाँ से धुलकर लौटेंगे। What? You compare my dad with pajama? ऐसे की जाती है बड़ों की इज्जत? Oh dad, you made a wrong choice of son-in-law. तुम्हारे डैड की तो चॉइस सही थी, चॉइस तो मेरे डैड की गलत साबित हुई ना। तो क्या करूं? ये तो ऐसा लॉस है जिसका डुप्लीकेट भी नहीं ला सकते। खैर, जैसे भी हो, डैडी को तो वापस लाना होगा ना। तुम थके मांगे होगे, जाओ नहा लो। हेलो, या विकास पटनागर है? अरे घंटागर नहीं, भटनागर, भटनागर। हाँ हाँ, रिपोर्ट लिखवाई थी। क्या डैडी ठीक है? डार्लिंग, अरे नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रहा। हाँ हाँ, चश्मा पहना हुआ था। हाँ हाँ, सफेद पजामा। हाँ अरे हाँ, मेरे ही डैडी हैं क्या? नहीं नहीं, तो फिर वो मेरे डैडी नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं पीते थे, सिर्फ सिगरेट पीते थे। हाँ हाँ ठीक है, तलाश जारी रखिए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, या थैंक यू। एक डैडी मिले थे, वो भी आज से निकल गए। तो क्या किसी का भी बाप हड़प हड़प लूं? पोस्टमैन। अब मैं देखता हूँ। शायद डैडी लाया होगा पोस्टमैन। डैडी क्या मनी ऑर्डर है जो पोस्ट से डिलीवर होंगे? अरे जनाब, आजकल के नौजवान डैडियों को मनी ऑर्डर से ज्यादा समझते ही क्या है? नूर, ये नूर है कि नूर है? ये तुम्हारा नौकर ना होता ना, तुम इसका खून कर चुका होता। कुछ चिट्ठियां हैं हुजूर मेरे सर पे, रहते गंदी हो जाएंगी। देखो देखो रॉयल, रटे जा टेबल पे। चिट्ठियां अंदर रखो, दूसरे काम पे लग। देखो विक्की, गुस्सा नहीं करते। डैडी आओ ना, आज तुम्हारे लिए मैंने पसंद की डिश बनाई है तुम्हारे। हाँ हाँ, यहाँ मेरा बाप खो गया है और घर में पकवान तले जा रहे हैं। दिस इज टू मच विक्की, एक बाप क्या खो गया है जैसे तुम्हारे सर पे तो पहाड़ टूट पड़ा। मैंने कहा था उनको घर से भाग जाओ, अब जब तक लौटेंगे नहीं ना, घर में ना टीवी सिस्टम, म्यूजिक, सीडी कुछ नहीं चलेगा। बस एक ही राग अलग आ जाएगा, मेरा बाप खो गया, मेरा बाप खो गया। तुम कहो तो हनी सिंह का लाइव कॉन्सर्ट रखवा लें घर में। एक बात कहूं, सच तो ये है तुम्हारे ये म्यूजिक सिस्टम और सहेलियों के छछुंदरपन के वजह से ही डैडी भाग गए हैं। सारा दिन चुड़ैल देखो।
ही करती रहती है। तो जाओ रह लो चैन से, कर लो ना दूसरी शादी। ओह हेलो, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ रिपीटिंग मिस्टेक्स। सारा दिन देखो बस टपक टपक चालू ही पड़ी है। सारा दिन चुड़ैले घर पे आएंगी, म्यूजिक सिस्टम चालू होगा और बस। बहुत हो रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? डैड तो मेरे भागे है ना। कबाब बनी चलिए। अच्छा कबाब भी बने? अरे बिरयानी भी तकरीबन तैयार है, मिठाइयां भी बना देते। हुजूर जाइए हुजूर। जनाब नूरबख्श साहब, आप न्यारे अदावर्स हैं, दुलारे अदावर्स हैं, प्यारे अदावर्स हैं, एक नंबर के गधे हैं। हाँ मेरा पाप हो गया है। तुम लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं, आपके जाने पर यहाँ खुशियां मिल रही है, सब खुश हैं। एक बार मेरे डैडी मिल जाए सबसे तो मैं बाद में निपटूंगा। हुजूर कबाब खा लीजिए। मुझे कुछ नहीं खाना। दूर जाओ, अभी कभी मेरे डैडी को ले आओ, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों? अरे यहाँ इस घर की आबोहवा कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है। इस घर में बुड्ढों को भागने का दौर पड़ा हुआ है, समझी? कहीं आपके डैडी भी भाग लिए तो? नहीं, तुम ठीक कहते हो नूर, मैं तो वैसे भी दो बार घर से भाग चुके हैं। अच्छा? हाँ, लेकिन नूर मैं अब क्या करूँ, मेरी तो बहुत मुसीबत हो गई है। खाना पीना हराम हो गया, जीना हराम हो गया इस बुड्ढे की वजह से। बुड्ढे की जान का भी चैन नहीं है। साबुन अभी ना तो कबाब नूर। अरे कबाब नहीं, साबुन मांग रहे हैं। चल साबुन ढूंढ दो। कली जी आई है। चलिए आइए, चलिए।
अरे चलिए कैसी कैसी सहेलियां बना रखी है। ये क्या टैबी की तस्वीर किसने उल्टी कर दी? एक और अच्छा हूं। जब इंसानी ने मुंह मोड़ लिया तो तस्वीर क्या उल्टी क्या सीधी। वाह क्या तुम्हें इधर सोना सोना नहीं लगता? हाँ विकी मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा एक बात बताओ, तुमने टीवी पर पापा का लापता होने का जो खबर दिया था क्या हुआ उसका? अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गया। नूर मियां जी मुझे टीवी ऑन करो तो अभी करता हूँ। ये लीजिए। गांधी धाम से श्री विकास भटनागर ने सूचित किया है कि उनके पिता श्री बद्रीनाथ भटनागर परसों शाम से लापता हैं। श्री बद्रीनाथ भटनागर की आयु 55 वर्ष, कद लगभग 5 फुट 9 इंच, रंग गोरा है। घर से गायब होते समय वे सफेद पजामा कुर्ता और चप्पल पहने हुए थे। श्री बद्रीनाथ भटनागर को ढूंढ कर लाने वाले को मार्ग व्यय के अलावा 50,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। कृपया स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर संपर्क करें। डैडी चश्मे का केस है तो ऐसे ही अगर जैसे ये मिल गया ऐसे ही अगर डैडी मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है कि नहीं बताइए। तो खुद ही एक केस है नूर। नूरा भैया और नूरा भैया दूध ले लो। अरे तुमसे कितनी बार कहा है मेरा नाम नूर है, तुम नूरा नूरा क्या करते रहते हो। अच्छा भैया ये बताओ बाबूजी मिले कि नहीं? कहाँ मिले भैया, नहीं मिले अंदर। एक बार हमारा राजू भी ऐसे को हो गया था। अच्छा 4 दिन तक ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। अच्छा फिर एक दिन ससुरा पेड़ के नीचे ऐसे सीधा रहा। अच्छा वो जरूर मंजन कर रहा होगा था मेरे समझ। अरे भैंस का बच्चा मंजन करता है, क्या बात कर रहे हो? भैंस का बच्चा तो तुम उसका नाम राजू बता रहे हो? अरे उसी का नाम तो राजू रखा था हमने। महोदय जी का ही बंगला है ना? हाँ है बिल्कुल है, चलिए जाइए हमसे।
अब जाए कहाँ, अभी अभी तो बता रहे हैं। जय शंकर भोले। शंकर भोले, आप आटा चावल लेंगे या कुछ नगद मदद लेंगे? बड़े दुष्ट लगते हो भैया, हम कोई यतीम खाने से नहीं आए हैं। आए तो यतीम खाने से नहीं, लेकिन लगते यतीम ही हैं। वैसे ठंडा गरम साथ लेकर चले। शंकर भोले, शंकर भोले, फिर भी श्रद्धा भक्ति के अनुसार घर में जो कुछ भी बना है वो ले लो। और हाँ, याद रहे हम सिर्फ मिष्ठान लेते हैं। मिष्ठान वो क्या होता है? अरे मिठाई नहीं समझते क्या? अरे हमारे घर में टॉमी तक को डायबिटीज है, पड़ोस में भी हम मीठा पकने नहीं देते कभी। तुम अपने घर के सही वाले को बुलाओ, तुम तो सिर्फ पागल लगते हो। अपना ही बच्चा समझिए, नाम पता वगैरह पता नहीं करता। सो क्यों, हम यहाँ एक कार्य व्यवसाय है, कोई भीख मांगने नहीं आए हैं। जाओ जाकर कहे तो तिवारी जी आए हैं। तिवारी जी? अरे आप कौन से तिवारी? यहाँ रोज 45 तिवारी आते हैं, खाना बनाने वाले से लेकर मिनिस्टर तक। आप कौन से हैं? बड़े उल्लू लगते हो मियां। हमारा नाम महामहोपाध्याय ज्योतिषाचार्य, परम प्रधान विद्वान, अनोखे राज तिवारी। समझे क्या? इतना लंबा छिलका, नारे इतना सा। बड़े परिहासी जंतु प्रतीत होते हो। पतला कीजिए पतला, ये आपकी गाढ़ी हिंदी है ना, मेरे को कब्ज कर देती है। वैसे आपको एक बात बताऊं, है नहीं साहब घर पर, आप चाहिए चलिए जाइए। हम एक जोरदार शुभ समाचार लाए हैं। अच्छा, क्या समाचार लाए हैं? तो साहब हैं, बताइए क्या समाचार। वो हम उन्हीं को बताएंगे, आप उन्हीं को बुलाइए। देखिए यहाँ काम थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, पहले आप ये बताइए तुम्हारा कुछ खोया है क्या? सच में क्या पालने लायक प्राणी है? अरे हमारे पास नहीं क्या चीज खोएगा? पहले कुछ दिलाइए तो सही मियां चचिंदा, हमारे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। हम कह रहे हैं इस घर का कुछ खोया है क्या? हाँ खोया है, दिन का चैन, रात की नींद, किसी का सुख किसी का दुख, कुल मिलाकर एक अदद बाप खो गया है इस घर में। वो देखिए तो खुश हो जाओ मियां, तो वे प्राप्त हो गए हैं क्या? अरे ये सब भड़काओ मत, हम ना उल्टे सीधे और किसी को पकड़ के ले आओ। यहाँ जीरो का नियंत्रण रखो, पतला कीजिए, जबान को लगाम दो। हम एक समाज सेवक है, आज तक हमने कई खोए हुए को ठिकाने लगाया है, मिलावट का काम हम बिल्कुल नहीं करते। हम आपको 100% शुद्ध बात देंगे। अच्छा तो कहा है? मेरी जेब में। आइए देखिए मूर्ख, जाओ घर के इसलिए मालिक को बुला। अभी बुलाता हूं मालिक। मालिक नौकर तो जाता है, पता नहीं इस घर का मालिक कैसा होगा। हमें क्या, हमें तो इनाम के 50,000 से मतलब है। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वो नूर कह रहा था आप मेरे पिताजी के बारे में कुछ समाचार लाए। अरे समाचार क्या, पूरे के पूरे पिताजी को लाए हैं महोदय। क्या डैडी भी है? डैडी भी है? लगभग ऐसा ही समझिए, टीवी पर आपके डैडी का समाचार देखा, अधीर हो उठे समाज सेवी जो कह रहे। फिर एक लंबी खोज में निकल पड़े, आखिर एक बाप का दुख एक बाप भी समझ सकता है। मेरे भी 8-8 पुत्र हैं, आगे भी कुछ उम्मीद है। अरे चुप रहो तुम पंडित जी, डैडी को साथ ले आते कितना अच्छा रहता, उनके बिना मेरा एक एक क्षण भारी हो गया है। वो आपकी शुद्ध जी में कहते हैं ना कि हम लोग प्राप्त दुखी हैं। प्राप्त नहीं होता है, पर्याप्त होता है, पर्याप्त। हाँ वही वही वही। टीवी पर कोई धन संबंधी घोषणा हुई थी, शायद 50,000 है ना पंडित जी? एक बार मेरे डैडी मिल जाए 50,000 रुपए मैं आपको भेंट करूंगा। तो फिर मंगवा लीजिए महोदय। और हाँ नोट नए और साफ होने चाहिए, वो क्या है हमें पसीना बहुत आता है। आप मुझ पर भरोसा रखिए पंडित जी, मैं इतना टुच्चा नहीं हूँ 50,000 जैसी मामूली रकम डका जाओ। तुच्चे तो हम भी नहीं है विकास बाबू, जो आपके बाप को डका जाए। पंडित जी आप तो गुस्सा हो गए, बैठे बैठे पंडित जी बैठे। को बुला लेते तो अच्छा रहता,
तुम पहले धनराशि लेके आओ, वरना मैं तुम्हारे पिताजी को वहीं पे छोड़ाऊंगा जहां से लेके आया था। जाओ, और हाँ, आने जाने का भाड़ा भी तुमसे ही वसूल करूंगा। पहले धन लेके आओ, शीघ्र शीघ्र। हाँ पंडित जी, आप बैठिए, मैं अभी खोल ले आता हूँ। यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, उनकी सहायता करो धन लाने में। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं बैठूंगा। क्यों? अरे, इतने कीमती सामान पड़े हैं, आप कहीं समाज सेवा कर देंगे तो आप समाज सेवी है ना। तुम इस घर में कब से तो? क्यों, मेरे लिए कोई नया घर बना रहे क्या? कन्या कैसी है? बड़े दुष्ट पिशाच और पलायनवादी लगते हो। पतला कीजिए पतला। इस घर से हमें पैसे का मोह है, अन्य काम तुम्हें ही पतला कर देते हैं। पंडित जी, इतना आसान न समझिए, हमारी हड्डियों में भी दम है। इतना आसान नहीं है, पतला कर देंगे। सही पतला कर देंगे। नूरबख्श, जवान को लगाम दो। ये लीजिए पंडित जी पैसे। ये क्या कर रहे हो? ये देखिए, ऐसे होते हैं 50,000 रुपए। पहले कभी ले जाइए, पहले धन लाइए, पहले कभी पहले धन लाइए। मैं कौन बोले देंगे? पहले धन लाइए। चुप रहिए, चुप रहिए। हाँ पंडित जी, पैसे देख लिए ना, जाइए कैदी को बुला लाइए। ठीक है ठीक है। अरे महाराज, कब तक दूसरे सुनते रहोगे? अंदर आ जाओ। डैडी, आप आ गए। डैडी 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 कहाँ चले गए? डैडी कहाँ चले? नहीं नहीं, ये मेरे डैडी नहीं है। हाँ, इनमें से तो डैडी की बू भी नहीं आ रही। धोखा हुआ है अमूल, धोखा हुआ है। पुलिस को फोन कीजिए, पुलिस को फोन। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जिसको फोन करना है कीजिए, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा डालेंगे। सही बाप मिला नहीं कि आपने 50,000 बचाना चाहते हो? अरे लोग अपने बाप की बरसी में लाखों उड़ा देते हैं, लाखों, और तुम सही बाप मिला नहीं कि 50,000 भूल गए। अरे हे भगवान, ये फट जाए धरती और समाज है उसमें। तुम अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जगह एक ईंट पैदा किया होगा ना, तो शौचालय की दीवार बनाने में काम आती। पंडित जी देखिए, आपको धोखा हुआ है, ये मेरे डैडी नहीं है। क्या मुझे धोखा हुआ? हाँ। ठहरिए, रुकिए, इधर आओ। उम्र 60 वर्ष। हाँ लग रही है। कद 5 फुट 7 इंच है। रंग गोरा। अरे पंडित जी, ये सब डिटेल्स तो ठीक है। ओहो बेटा, ये क्या हो रहा है? आप तनिक शांत रहिए, सही माल पहचाना जा रहा है। आप बीच में मत बोलिए। पांव में चप्पल? हाँ है। धोती कुर्ता पहना हुआ है? पहने हैं। हाथ में छड़ी है? जब सब कुछ सही है तो ये आपके बेटी कैसे नहीं हुए? पानी लीजिए, पानी इनको दीजिए, लीजिए बेटा, सब पानी पीजिए। अजीब जबरदस्ती है, क्या मैं अपने डैडी को नहीं पहचानता? धन का लोग बड़े बड़ों की पहचान गुम कर देता है। बेटा चूजा भी अपने बाप को पहचानता है, है? हम तो इंसान हैं। एक बार कह दिया कि डैडी नहीं है तो नहीं, बस जाइए। अरे बेटा, ये सब देखकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। आपको चक्कर? या मुझे चक्कर आ रहा है मोहन दादा? अच्छा, ये आप डैडी हैं? हाँ, 100% डैडी है। देखिए, जो भी है हमारे बुजुर्ग हैं, दुनिया, इन्हें अंदर ले जाओ, नाश्ता पानी कराओ। जाइए जाइए, संभालिए संभालिए, दुनिया आइए आइए। इन डाउट, आप इन्हें अंदर नहीं ले जा सकते। तुम पहले धन का फैसला होगा, बाद में। चुप रहिए पंडित जी, आप मुझे पुलिस बुलाने पर मजबूर कर रहे हैं। चलिए नूर, ले जाओ यहाँ तक। अरे चलिए, अरे सही डैडी डाउट, चलिए। पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में। नूर, और नूर मिया। नूर देखो कौन है। अरे नूर क्या देखेगा, अब तो दुनिया देखेगी। आप मदद से चचा जीते रहो बेटा, वो कमर लाया हूँ कि बड़ा उठोगे, मिठाई तू मीठा करवाओ। वो क्यों चाचा जान? बाबू मदीना मिल गए। क्या डैडी मिल गए?
ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप कौन है, क्या बेचते हैं? अरे चाचा जानी, हाँ ये मैं बताता हूँ क्या बेचते हैं। ये पंडित अनोखीलाल तिवारी है, डैडी लाए हैं। अच्छा है? ये कह रहा है डैडी लाए, तो मैं क्या खरगोश लाया हूँ? अच्छा विकास बाबू, ये डैडी कौन है? अदब से बात कीजिए पंडित जी, ये मेरे चाचा जान है, डैडी के करीबी दोस्त, ये कभी धोखा नहीं खा सकते। अच्छा मौलाना साहब, आप अपना माल दिखाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लाओ मिला कोच, एक इज्जतदार बाप को मार के रहे हो, यही तहजीब है? अरे तहजीब नहीं, 50,000 रुपए। कैसे 50,000 रुपए? इनाम के, बड़े भोले बन रहे हो आप। या अल्लाह विकी बेटा, क्या मैं अपने अजीज दोस्त को ढूंढ के लाने के लिए तुमसे 50,000 रुपए लूंगा? नहीं नहीं चाचा जान, पंडित जी को ट्राय जी, अल्लाह की फजल से हमारे पास इतना धन है कि आप जैसों को खरीद के फ्री में बांट सकते हैं। बेचारा ये बच्चा है, हैरान परेशान हो रहा है, तुम उसका फायदा उठा रहे हो। नूर और नूर। अरे चाचा जान, आदाब आदाब, कैसे हैं? इधर आओ बेटा, इधर आओ। करिए, तुम तो यहाँ बचपन से काम कर रहे हो, क्या तुम भी अपने बड़े मालिक को नहीं पहचानते? पहचानता था। पहचानता था का क्या मतलब बेटा? अरे यहाँ रोज नए नए बेबी लाए जा रहे हैं, अब जन्नत से हमारे असली बेबी उतर कर आ रहे हैं तो भी मैं उनको पहचान नहीं पाऊंगा। अभी देखिए, एक अंदर आराम फरमा रहे हैं और दूसरे चाचा जान लाए हैं। या अल्लाह, आप ही डैडी लाए हैं? असली डैडी लाया हूँ। अच्छा डैडी आपको मिले कहाँ चाचा जान? सब मुकद्दर का खेल है बेटा, एक बड़ा और एक इंसान फरिश्ते की तरह मेरे पास आया और बाबू बद्रीनाथ को मेरे पास हवाले कर गए। मैंने इनाम के तौर पर उसे 1,000 का नोट दिया। अरे वो नोट तो बंद हो गया नोटबंदी में। 2,000 का नोट दिया, उनके दिमाग और दिल पे जरा सदमा पहुंचा है, इसलिए बोलते नहीं बेचारे। अरे सुनो, होंगे तभी तो अपना अस्तित्व स्थापित करेंगे ना। अदला कीजिए पतला कीजिए, सही होंगे तभी तो बोलेंगे ना। अरे आप हटिए यहाँ से, अपनी चोंच बंद रखिए, हटिए। मैं अभी बाबू बद्रीनाथ को बुला के लाता हूँ। बाबू बद्रीनाथ आइए आइए, तस्वीर लाइए। डैडी अब आ गए। डैडी डैडी कहाँ चले गए थे आप? डैडी कहाँ चले गए थे आप? कुछ तो बोलिए डैडी, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। डैडी बैठिए, यहाँ बैठिए बैठिए। कहाँ चले गए थे आप? डैडी नूरिया नीतू को ले लेंगे, नीतू को ले लेंगे। क्या हो गया? नीतू तो मंदिर नहीं, मंदिर नहीं। अच्छा ये इसमें भी कुछ धोखा हो गया है, ये लोग सब काश जाके चक्कर में सब फोन बोल रहे हो। चाचा जान ने कहा इनके दिलों दिमाग पे सदमा पहुंचा है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वैसे डैडी ऐसे हंसते तो नहीं थे, इनको सुन के देखते हैं। आइए दूर, चुप रहो। चाचा जान ने कहा ना इनके दिलों दिमाग पे सदमा पहुंचा है, मुझ के देखे। आइए मुझ दूर, नहीं तुम यहाँ खड़े हो, चुप जाओ। विकास बेटा, मैं कब तक तुमसे पढ़ा रहूं? शुक्र खुदा का बाबू बद्रीनाथ बोले लगे। सावधान, ये हमारे वाले हैं, असली है वो अंदर बोल रहे हैं और नकली यहाँ चुपचाप बैठे हैं। अरे तुम मुझे तुम कुछ नहीं बोलने दे रहे हो, मैं एक पल यहाँ नहीं रुकूंगा। आप अंदर जाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे इनके दूध का दूध और पानी के चक्कर में इस घर के आइसक्रीम बन जाने वाली है। मैं तो कहता हूँ ये दोनों नकली है, 50,000 के चक्कर में इस घर में आए। खबरदार विकी बेटा, यही तुम्हारे डैडी हैं। बाबू बद्रीनाथ आपको चाय नाश्ता वगैरह लेंगे। इन्हें अंदर ले जाओ। त
थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। चलिए जाइए जाइए डैडी, चलिए ना सके, चलिए सेकंड डैडी इन डाउन। अरे चलिए सेकंड, अब हमारे लिए क्या क्या है? आप घाट में जाइए और उस सनत नाम को भी लेकर जाइए जिसने इस बच्चे को तो गुमराही कर रखा है। देखिए मौलाना साहब, गुस्सा हमें भी आ सकता है, अपमान होने की तो भी कोई हद होती है, समझे? 250 ग्राम अनाज हम भी खाते हैं। इस बार आपकी और मेरी हैसियत अभी बराबर की है। मेरे डैडी असली है, आप नकली है। नहीं, मेरे असली है। दूसरे ये दोनों 50,000 रुपयों के लालच में किसी को भी उठा कर लाए हैं। पता है, मुझे पता है, लेकिन बात ये है कि आपके डैडी गए तो गए कहाँ? किसी से कहना मत, मैंने डैडी से वृद्धाश्रम जाने की बात की थी, शायद इसलिए डैडी घर छोड़कर चले गए। बस यही गलती कर दी ना आपने। अरे उनकी संपत्ति लिखवा लेते ना पहले, वसीयतनामा लिखवा लेते कितना अच्छा होता है कि नहीं? नूर मियां, इतना कच्चा नहीं हूं मैं, संपत्ति पे साइन तो पहले ही करा चुका हूं। बाबू बद्रीनाथ, अच्छा है खुद ही चले, वरना देखो देखो चारों बंदर कैसे लड़ रहे हैं, अंदर मजा आ रहा है। शर्म नहीं है? बस ये नामे पर दस्तखत करवा अटैक कर रहे हो हैं? अरे अटैक कर रहे हो, 50,000 रुपए देंगे इनाम के। बस ये क्या बकवास कर रहे हो? अल्लाह तुझे कभी माफ कभी भूल नहीं करेगा, देख चढ़ेगा क्या हमने तुझे तू चढ़ेगा। आगे मत बढ़ना। ये तो डैडी की आवाज है, लगता है डैडी आ गए पर कहीं दिख नहीं रहे। आइए बड़े मालिक, आइए। डैडी आप घर में छुप कर मेरी जासूसी कर रहे थे, और नूर तुम्हें सब पता था ना? नूर विकास अगर बहुत बड़ा हो गया है। नूर देखो अपने पैरों पर खड़ा है, इसको और किसी की जरूरत नहीं है। अरे मैं कहीं नहीं गया था, यही था, यही छुपा हुआ था। ला ला इनाम पे 50,000 रुपए ला। अब तो तुझे किसी की जरूरत नहीं है ना, ले मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दे, निकाल दे बाहर। डैडी ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा अच्छा तो तुमने किया, वसीयत पर साइन कराने की बड़ी जल्दी थी ना तुझे, तभी मुझे शक हुआ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो बस उसकी नीयत का ही पता करना था, और इससे अच्छा और कौन सा तरीका हो सकता था? क्यों नूर मियां, आपको क्या लगता है सारी संपत्ति मेरे नाम करके आपने मुझ पर कुछ एहसान किया है? आपके मर जाने के बाद वैसे ही सारी संपत्ति मेरे नाम होनी थी, और वैसे भी आप इतनी सारी संपत्ति का करते भी क्या? आपको तो बस दो वक्त की रोटी चाहिए थी। मैंने सोचा घर की किटकिट से आप परेशान हो गए होंगे, इसलिए वृद्धाश्रम में आराम से रहेंगे। बेटा बेटा
बेटा बच्चों से बाप परेशान नहीं होते हैं, बच्चे ही बाप से परेशान हो जाते हैं। बेटा 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 जब तूने इस संसार में पहली बार सांस ली थी ना, तो मैं तेरे पास ऐसे ही बैठा था। जब मैं अपने जीवन की अंतिम सांस लूंगा तब तू क्या मेरे पास होगा? बेटा बेटा जवाब दे, चुप क्यों है? जवाब दे बेटा। बेटा मैंने तेरे आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दिया। कितने अरमान थे मेरे, कितनी उम्मीदें, कितने सपने। बेटा मैंने मैंने घर जमीन जायदाद नहीं, तुझे अपना असली संपत्ति समझा था बेटा, तुझे अपना असली संपत्ति समझा था तुझे। बेटा क्या मैं मेरे बुढ़ापे के इस अंतिम दिनों में एकांत के कुछ क्षणों में तेरे दो मीठे बोल की उम्मीद नहीं रह सकता? बेटा मैं तेरे बच्चों में अपना बचपन देखना था मुझे, लेकिन लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तेरा कन्ना भी नसीब नहीं होगा। पर मुझे आराम नहीं उतना है, मैं तो चला रहे हैं। ये तो सही है, आप तो नहीं है। अरे तो सही है, आप इतने सामने आ गया। तेरे नैना
भर आए तेरे नैना क्यों भर आए।